हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचनी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सिंगर्स के बारे में, कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेस के बारे में जो मुझे बड़ी पसंद आई हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि रिव्यू के दौरान समय का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है और फिर ये परफॉर्मेंसेस माइंड ब्लोइंग होने के बावजूद भी आप उनको वो महत्व नहीं दे पाते हैं जो कि देना चाहते हैं। तो ऐसे में एक और स्टोरी बन जाती है और डेफिनेटली बन जाती है, क्योंकि परफॉर्मेंसेस ऐसे दिल को छू कर जाते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो आपको लगता है कि एज अ म्यूजिक लवर एंड रियलिटी शो के जब मैं रिव्यूज देती हूं तो उसके बारे में बात डेफिनेटली होने चाहिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूं मेनुका की। मेनुका दिव्यांग सिंगर हैं और हाल ही में इंडियन आइडल पे आई हैं और ओ पालन हारे ये वाला गाना गा रही थी। और बिलीव मी, अगर आप आंखें बंद करके सुनो तो इतनी मिठास इनके गाने में है, इतना भोलापन उनके गाने में है कि आप इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि ये आवाज कितने सुंदर तरीके से निकाली गई है। मतलब श्रेया घोषाल जो कि जज की सीट पर बैठी थी, वैसा हाल शायद सबका रहा होगा, क्योंकि बिलीव नहीं करते बनता है कि उफ, कोई हरकतें नहीं छोड़ी है, कहीं कोई मुर्कियां नहीं छोड़ी हैं या कहीं कोई ऐसा पॉइंट्स नहीं छोड़े हैं जो गाने को अधूरा सा महसूस करवाते हैं। इतनी मीठी आवाज में, इनफैक्ट सिर्फ यही वाला गाना क्यों, श्रेया घोषाल भी इनके साथ गाना गाना शुरू हो गई थी और दोनों ने गाना भी गाया एंड इट वॉज माइंड ब्लोइंग, ब्यूटिफुल, कानों में रस घोल देने वाली आवाज थी। एंड सच में बोल रही हूँ मेनुका, मैं आपसे बहुत सारे गाने और भी सुनना चाहती हूँ, अभी और आगे बढ़ो यार, मैं तो ये चाहती हूँ। बाकी जो जज फैसला करते हैं, तीनों वहां पर बैठे हैं, संगीत के ज्ञाता है यार, तो वो सही डिसीजन ही लेंगे। लेकिन मैं पर्सनली चाहती हूँ कि तुम बहुत आगे बढ़ो, रियलिटी शो में जितना नाम कमा सकती हो उतने नाम कमाओ, अच्छे अच्छे गुरु वहां बैठे हैं तुमको सिखाने के लिए, तुम्हें और तराशने के लिए, तो बहुत तराशी हुई सिंगर की तरह से लोगों के सामने आओ, ये मेरी इच्छा है। अब अगर दूसरे सिंगर की मैं बात करती हूँ तो मैं बात करना चाहती हूँ निष्ठा की। निष्ठा जो कि सारेगामापा में आती हैं, फ्रेंड ये कोई नया नाम नहीं है रियलिटी शो में, आप इसको इनफैक्ट इंडियन आइडल में आप ऑलरेडी देख चुके हैं, इंडियन आइडल 12 के फिनाले में, क्योंकि वो अभी अभी वैसे तो समय हो गया लेकिन अभी भी बहुत ताजा है। ओके, सो इंडियन आइडल 12 का जो इतना लंबा फिनाले चला था उसमें आपने अरुणिता के साथ निष्ठा को गाना गाते हुए भी सुना था, देखा था। यार इसकी आवाज बहुत अच्छी है। ओके, और अभी जो गाना इन्होंने गाया है दैट इज अलबेला सजन आयोरी, एंड जिस तरीके से गाया है दिल को छू जाता है, इतना क्लासिकली ट्रेंड लगी है। सर्टनली मैं बहुत अच्छे से नहीं बता पाऊंगी कि ये राग है या वो राग है, यार सुनने में समझ में आ रहा था कि कहीं कोई चूक, कहीं कोई गड़बड़, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है गड़बड़ की। और इसी को देखते हुए हिमेश जी ने अपनी फिल्म में उन्हें एक गाना देने का वादा भी कर दिया है, तो सर्टनली सारेगामापा का इस बार का जो एपिसोड आएगा उसमें हमें कंप्लीट कहानी दिखने वाली है। तो यार निष्ठा, तुम डिजर्विंग हो तभी वहां पर हो। और निष्ठा के साथ खैर मुझे रनिता भी अच्छी लगी, रनिता का भी हम दिल दे चुके हैं, जब वो गाना गाती हैं तो इतना अच्छा लगा था, बट ऑलरेडी मैं उनकी बात कर चुकी हूँ अपने रिव्यू के दौरान। अब मैं बात करना चाहती हूँ अरुणिता कांजीलाल के बारे में। अरुणिता कांजीलाल एज यूजुअल एंड एज यू नो मेरे कान में वही बसी है, दिल में भी वही बसी है और दिमाग में भी वही छाई रहती है। यार मुझे ऐसा लगा कि वो जो बनारसी वाला गाना है बहुत सुंदर था, मतलब मैं उसको जितना जस्टिफिकेशन मैं देना चाहती थी वो इस स्टोरी में दे रही हूं। यार जिस जगह पर वो खड़े होकर गाना गा रही थी बनारसिया, यार मजा आ गया था, इतना सुंदर गाया है कि आप मोहित हो जाते हैं इन इन इस गाने को सुन के, इन आवाजों को सुनकर। ओके, पवनदीप भी बनारस वाले शो में थे, सर्टनली उसके अलग से मैंने रिव्यू जब किया था तो जिक्र बहुत कुछ किया कुछ नहीं किया, लेकिन यहां मैं बता रही हूँ बनारस से आज सुन करना मजा आ गया था। अरुणिता की आवाज में ना एक मीठापन जितना है उतना ही स्वाभाविक सिंगर है वो, नेचुरल सिंगर जैसे बोलते हैं, मतलब बचपन की भी उनके गाने जब गाहे बगाहे मेरे सामने आ जाते हैं इंस्टा पर या कहीं ऐसे देखने में आते हैं, या फिर आप लोगों में से बड़े प्यारे प्यारे से लोग जो मुझे भेज देते हैं, वो देखकर सुनकर ना ऐसा लगता है कि भाई ये तो बचपन से इसके गले पर सरस्वती का ऐसा वास रहा है, ऐसा आशीर्वाद रहा है कि ये लड़की जब भी गाती है तो
क्या मजा आता होगा यार। अब संयोग की बात देखिए, मैं बनारसिया गाने की बात कर रही हूँ और सुबह सुबह मुझे अरुणिता के बचपन में गाए हुए बनारसिया सॉन्ग की झलक देखना मिल जाती है। इस क्लिपिंग में हमको शान, मोनाली ठाकुर और अलका याग्निक जी के अलावा कुछ चर्चित चेहरे भी दिखाई देते हैं, जैसे हरभजन सिंह, जहीर खान और अजय जडेजा भी। यानी बनारसी रंग तो अरुणिता पर बहुत पहले चढ़ चुका था पूरे सुरों और स्वरों के साथ। मैं सच बता रही हूँ, ये मैडम जब पहली बार रोई भी होंगी ना, तब भी सुर लगाकर रोई होंगी, इतना सुंदर गाती है। और बनारसिया सॉन्ग में तो मजा आ गया था, जो मस्ती थी, वो बनारस का जो विवरण था, जो वर्णन था, जिस भी तरीके से गाया गया था, बनारस में बैठकर बनारस के लोगों के सामने बनारसिया गाना गाना, यार वो तो माहौल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड था। अरुणिता बहुत 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 सुंदर बनारसिया गाया है। कभी जिंदगी में ऐसा मौका मिला कि मैं तुम्हें से रूबरू अब वापस मिल लूं, तो यार एक बार रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, यार मुझे भी सुना दो, यार मुझे ये वाला गाना बड़ा अच्छा लगा। तो इन तीनों सिंगर्स, इनफैक्ट चारों सिंगर्स का बहुत बहुत मजा आया इन इन लोगों को सुन के। अब नवरात्रि आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इन कन्याओं को देखकर ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती और जो नौ दुर्गाएं हैं वो सब इन पर आशीर्वाद बरसाएं, ताकि एकदम उनकी आवाज में वो पावर बनी रहे और लोगों के दिल को चुरा कर अपने पास रख लिया करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल फोर ऑफ देम। एंड अरुणिता, जब भी मैं मिल रही हूँ, मुझे एक बार बनारसिया तुमसे डेफिनेटली सुनना है। अब आपको इन चार फीमेल सिंगर रियलिटी शोज के इन प्यारी प्यारी कन्याओं के बारे में क्या कहना है, जरा लिख कर बताइए। जय हिंद।